मुझे बहुत डर लगता है कि ये किस तरह का हिंदुस्तान बना रहा है, जहाँ सिर्फ आप भीड़ में जब होते हैं, उनकी भीड़ में होते हैं, तो आपको लगता है कि सब ठीक है। सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम बनता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन से। आप वैसी पॉलिटिक्स को वहाँ बैठ के सपोर्ट ना करें जो यहाँ पे दिन रात किसी की लॉयलिटी टेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जैसा हिंदुस्तान वो वहाँ से बैठकर चाहते हैं वैसा हिंदुस्तान यहाँ पर बन रहा है। हिंदुस्तान का मीडिया भारत को कहाँ लेकर जा रहा है? इसलिए देखने वालों की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि दिखाने वाले बिक गए हैं, वो गुलाम हो गए हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. न्यूज नंबर देखने वाले सभी दर्शकों को उपेंद्र रंधावा की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते और अ वेरी वेरी बिग हेलो टू यू गाइस। न्यूज नंबर पे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही अलग अलग शख्सियतों से, जो कि फिल्मी दुनिया से जुड़े होते हैं, जहाँ पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, एंटरटेनमेंट सेक्शन, बिजनेस पीपल। लेकिन आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उस शख्स को, उस नाम को कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे जो हमारा जो यूथ है, चाहे वो हमारा यूथ इंडिया में है, जहाँ इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, खास तौर पे जो जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जो कि हम उनसे सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो मेरी मुराद है द वन एंड ओनली रवीश कुमार जी। तो स्वागत है सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, और आपने जिस तरह से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और हेलो से शुरू किया, अच्छा लगा मुझे कि आपने एक ही सुर में पूरा कई कॉन्टिनेंट, कई कल्चर लांग दिए आपने। और मेरे ये एक शायद कहीं ना कहीं आपसे भी सीखी हुई चीज़ है कि जो जर्नलिज्म है, हमने लोगों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। बिल्कुल, हमारा जो काम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी, प्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा प्योर होगा, उतना ज़्यादा सोसाइटी में कॉन्फिडेंस आएगा। चाहे वो ख़राब न्यूज़ का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो अच्छे न्यूज़ का इंफॉर्मेशन हो, सोसाइटी स्टेबल करती है, एक दूसरे में बिलीव करती है, फिर प्रोग्रेस ज़्यादा होता है, आप क्रिएटिव होते हैं। जैसे आप देखिए कि जो लोग भारत से ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, उन लोगों ने कितनी तरक्की की। किसी ने टैक्सी चलाकर वहाँ से शुरुआत की और होटल का एम्पायर खड़ा किया, किसी ने सीधे बड़े बिजनेस खड़ा किया, और किसी ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया। बहुत तरह की तरक्की की कहानी है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की। वो वहाँ क्यों कर सके? वो वहाँ इसलिए कर सके कि वहाँ के माहौल में बहुत हद तक एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट का माहौल था और सिस्टम था। तो सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम बनता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन से। अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आपकी पुलिस आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, पॉलिटिशियन किसी तरीके से मैनिपुलेट करता है, म्यूनिसिपैलिटी वाला आपको अलग तरीके से मैनिपुलेट करता है, और आपकी सारी क्रिएटिविटी इससे जूझने में ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ जो तरक्की की मिसालें हैं वो कम हैं, और वहाँ वही हिंदुस्तानी आदमी है वहाँ जाकर वो उस तरक्की को ज़्यादा हासिल करता है। लेकिन अब एक गड़बड़ हो रहा है कि, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत से बाहर रहने वाले भारत के लोगों से, कि आपको वहाँ के सिस्टम का फ़ायदा मिला है, वहाँ के सिस्टम का लाभ उठाकर आप एक डिफरेंट कल्चरल सेटअप में आपने प्रोग्रेस किया है। हाँ, इसलिए अगर मान लीजिए कि वहाँ पे लोग आपके प्रति नफरत पाल लेते, आपको भगाने लगते, आपको कहते नहीं जी यहाँ भागो, आपकी नेशनैलिटी, आपकी लॉयल्टी पे रोज़ डाउट करने लगते, तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते थे। यानी आपने बहुत बेनिफिट कमाया उस जगह से। तो इसलिए आप वैसी पॉलिटिक्स को वहाँ बैठ के सपोर्ट ना करें जो यहाँ पे दिन रात किसी की लॉयलिटी टेस्ट कर रही है, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ अगर कनाडा में शुरू हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाए, तो क्या होगा? सबको यहाँ आना पड़ेगा भाग के। अगर रोज़ लॉयल्टी की, आप ऑस्ट्रेलिया में रह के कैसे आप ऑस्ट्रेलिया के प्रति वफादार हो सकते हैं? आप नहीं हैं रोज़, आप क्या आप में डाउट किया जाता है? जाहिर है नहीं डाउट किया जाता है। जो हिंदुस्तानी लोगों की जो वहाँ पर तरक्की है, उसको देख के ये लगता है कि उन्हें तकलीफ हुई होगी, अलग संस्कृति से गुजरना पड़ा होगा कष्ट में, लेकिन किसी ने रोज़ रोज़ उनकी लॉयल्टी पे टेस्ट नहीं किया होगा, डाउट नहीं किया होगा, इसलिए वो न्यूयॉर्क में भी जाके कुछ बड़ा कर देते हैं, टोरंटो में भी जाके कुछ बड़ा कर देते हैं, मॉन्ट्रियल में भी कुछ जाके बड़ा कर देते हैं, और बर्मिंघम में भी कुछ कमाल कर देते हैं, अपना रेस्तरां खोल देते हैं और चालू पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मोहब्बत का फैलना, और मोहब्बत तभी फैलेगी
जब आपकी सूचना इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी। वो प्रोपेगेंडा कभी भी मोहब्बत का फैलाव नहीं कर सकता है। वो गलत इन्फॉर्मेशन पे, फेक न्यूज़ पे, फेक डिबेट पे आप एक भीड़ खड़ा कर सकते हैं जिससे आपको बहुत एम्पावरिंग लगेगा कि हम ताकतवर लोग हैं, लेकिन वो धोखा है। तो इसलिए जो भी आपके ज़रिए भारत के बाहर जो लोग भी हैं और जो यहाँ के न्यूज़ चैनल देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ध्यान से पढ़ा करें, ध्यान से देखा करें कि क्या है, क्या वो जिस सिस्टम का फ़ायदा उठाकर अमेरिका में या कनाडा में कुछ बने हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बहस में, बात करने के तरीके में, प्रोपेगेंडा करने में उसकी कोई झलक मिल रही है? मुझे नहीं लगता कि जैसा हिंदुस्तान वो वहाँ से बैठकर चाहते हैं वैसा हिंदुस्तान यहाँ पर बन रहा है, मुझे नहीं लगता है। तो उनको धोखा में नहीं रहना चाहिए, न्यूज़ चैनलों को बहुत तरीके से और ढंग से बैठ के बहुत सीरियस होकर देखना चाहिए कि एक्चुअली में ये जो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, इसके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है, या ये गवर्नमेंट की बैकिंग से हमेशा चीखता है या अपने जर्नलिज्म के इकबाल से चीखता है। अगर ये फ़र्क करना सीख जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया भारत को कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन जब दिखाया ही वहीं जा रहा है तो वो कहाँ पर जाए? वो कहीं जाए या नहीं जाए, लेकिन जो देख रहा है पहले उसे सही से देखना ठीक करे। अगर कोई गाड़ी में डेंट है और आपको दिखाया जा रहा है कि वो चमचमा रही है, एक हिस्से में इसको चमकते हुए दिखाया जा रहा है, तो ये देखने वाले की जिम्मेदारी है और कार खरीदने वाले की जिम्मेदारी भी है कि दूसरे साइड भी जाकर राउंड लगाए और देखे कि उधर का पहिया नया है कि नहीं है, उधर का पहिया ठीक है कि नहीं है, उसमें हवा ठीक है कि नहीं है, कहीं टायर पे पैबंद तो नहीं लगी है, कहीं पेंट पे कोई पैबंद तो नहीं है। इसलिए देखने वालों की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि दिखाने वाले बिक गए हैं, वो गुलाम हो गए हैं। उनका एक ही काम है, अगर आपने ज़्यादा सवाल किया तो वो आपको देशद्रोही बताएंगे, वो आपको एंटी नेशनल बताएंगे, जैसे वो रवीश कुमार, हाँ वो बताएंगे। और इस वक्त आप देखें 90% चैनलों पे तो ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे एंटी नेशनल आ गए हैं। ये कुछ नहीं है, ये बोगस प्रोपेगेंडा है। हम सवाल करते हैं ताकि हमारा सिस्टम बने, और जो लोग भी बाहर रह रहे हैं वो इस मुगालते में ना रहें कि सिस्टम ठीक हो गया है, नहीं ठीक हुआ है। अगर ठीक हुआ है तो वो वहाँ से छोड़ें, भारत आ जाएं, भारत की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, भारत के शहरों में रहना शुरू कर दें, भारत के अस्पतालों पे भरोसा करना शुरू कर दें, आ जाएं फिर यहाँ पे। वो वहाँ क्या कर रहे हैं, उतनी दूर से वतन को मिस कर रहे हैं, तो आ जाइए, आपका घर आपके लिए तैयार हो गया है, जैसा कि न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। तो हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। हम खूबियों वाले देश हैं, लेकिन अपनी कमियों पर बहुत कड़ाई से उस पर नज़र रखनी है, उसकी बात करनी है ताकि वो ठीक हो, ताकि उस पर भरोसा हो सके। अगर आप यूँ सोचिए कि आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं और फर्जी केस में फंसाना आसान हो जाए, कोई भारतीय वहाँ आसानी से रह पाएगा? इतनी दूर नहीं रह सकता, वहाँ के वकालत का खर्चा नहीं उठा सकता जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ अभी तक ये चल रहा है, फर्जी केस में फंसा देना, फर्जी चीज़ों में मुकदमेबाजी में लगा देना, 20 साल 25 साल लगा देना, तो ये सब चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं। तो उनको नज़र रखना चाहिए कि एक्चुअल में ठीक क्या हुआ है, क्या सिर्फ सब कुछ बातों में ठीक हुआ है या वाकई ठीक हुआ है। तो आए तो ज़रा सा ध्यान से देखें, टीवी के ज़रिए हिंदुस्तान ना देखें, वरना धोखा हो जाएगा और उस धोखे में वो भी शामिल हो जाएंगे। अब जो आपने एक बात की थी मोहब्बत की, मैं एक सवाल ये करता हूँ, मोहब्बत पे करता हूँ कि रवीश को ये जर्नलिज्म से मोहब्बत कब हुई? मैं शुरू से थी, आया तो था कि पत्रकार बनूंगा, ठीक है, लेकिन टीवी का पत्रकार बनूंगा ये मेरे जहन में ये बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस काम के महत्व को समझा कि जब हम ऐसी चीज़ें खबरें करते थे तो देखा कि वहाँ लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, फिर मुझे लगा कि अगर यही काम, और वो सारे बहुत साधारण काम थे, कोई ऐसा नहीं था, यही काम अगर हर पत्रकार जिसे ज़्यादा बड़ा मौका मिलता है, सबको बड़ा मौका नहीं मिलता है, वो करें तो सरकारों की नज़र उन समस्याओं पे ज़्यादा जाएगी और फिर वहाँ पे बदलाव होंगे। तो जब ये बदलाव होने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, ये रास्ता सही है। अगर आपके काम से इन्फॉर्मेशन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन बताने लगें तो दो कम्युनिटी के बीच में दंगे हो सकते हैं, जल सकता है। जो गलियों मोहल्लों में चौराहों में कुछ मूर्ख लोगों के बीच बायसेस होते थे,
एक कम्युनिटी के बारे में, दूसरे कम्युनिटी के बारे में, आज उसी को एम्प्लीफाई कर दिया गया है, बड़ा सा फैला के टेलीविज़न चैनलों के ज़रिए लेजिटिमाइज किया गया है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है कि ये किस तरह का हिंदुस्तान बना रहा है, जहाँ सिर्फ आप भीड़ में जब होते हैं, उनकी भीड़ में होते हैं, तो आपको लगता है कि सब ठीक है। जैसे ही आप उनकी भीड़ को रिजेक्ट करते हैं, आप बहुत तरह के ख़तरे में आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस ये सोसाइटी बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। अभी भी हिंदुस्तान को बहुत सारी नई नई चीज़ें जाननी है लोगों को, और नई चीज़ें जानने से उनके एस्पिरेशन बदलते हैं, उनके एस्पिरेशन अच्छे होते हैं, और वो प्रॉब्लम को ठीक से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, देख पाते हैं, ताकि उसको फिर से दूर किया जा सके। तो मीडिया, और ख़ासकर मैं तो हिंदी मीडिया से आता हूँ, जो हिंदी के अखबार हैं, आप उनको उठा कर देखिए, कभी कभार अच्छी खबरें होती हैं, लेकिन हज़ारों पत्रकारों की फ़ौज है उनके पास, लेकिन जर्नलिज़्म बहुत ही ख़राब है। और अब तो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से उसको ख़राब कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई रिपोर्टर काबिल नहीं है और वो अच्छी खबरें उसके पास नहीं है, सब है उसके पास, लेकिन अब ऊपर से थोपा जा रहा है कि सारे लोगों को इस झुंड में रखना है, इस मेंटेलिटी में रखना है, इस तरफ रखना है, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक आप कोशिश कर सकते हैं, इतनी बड़ी हुकूमत के सामने तो आप अकेले हैं, तो क्या ये लगता है कि तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब तक आप कोशिश कर सकते हैं, लोगों को बताते रहना चाहिए आखिर वक्त तक कि नहीं, रास्ता हमारे काम का यही है। डॉक्टर अगर किसी बीमारी की इलाज कर रहा है, तो उसके पास जो उसका ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो छोड़ के वो जिंदाबाद मुर्दाबाद की तबीयत के हिसाब से इलाज करने, तो मरीज तो ठीक नहीं हुआ ना जिंदाबाद मुर्दाबाद से। लेकिन क्या ये समझा जाए कि देश बीमार है, और क्या वहीं बच सकता है जो वो करे जो हुकूमत चाहती है? बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हुकूमत की तरफ हैं, जो चैनलों और मीडिया सोसाइटी आईटी सेल में हैं, उनके बर्ताव से तो देख के लगता है कि बीमार हैं, और वो जो पूरे देश को बीमार करने में लगे हुए हैं। मतलब मामूली बात में भी ये शक कर लेना कि वो गद्दार है, वो पाकिस्तान का सपोर्टर है, एंटी नेशनल है, इसका मतलब आप बीमार हैं। आप अपने हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को जानते नहीं कि उनके अंदर कितनी मोहब्बत है इस वतन से, मतलब नफरत फैला जाए। हाँ, वो नफरत फैला रहा है। तो नफरत कौन फैलाता है? नफरत वो फैलाता है जो बीमार होता है। तो बड़ी संख्या में लोग बीमार तो हो गए हैं। अभी एक जो आपने सवाल अभी बात की पाकिस्तान की, अभी एक अभिनंदन का केस हुआ, तो अभिनंदन जी जब वहाँ पर गए, हम सबको पता है क्या हुआ, उसको सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो अपना प्रोटोकॉल पूरा का पूरा अपना, वो अभी से वैसे खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, जो भी उनसे पूछा जाता है नो कमेंट। लेकिन यहाँ पर हमारा मीडिया धज्जियाँ उड़ा देता है, यहाँ पर हमारा मीडिया खोल के बताता है कि वो कहाँ रहते हैं, कौन है, मतलब प्रोटोकॉल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। क्या इससे क्या ये समझें कि मीडिया टोटली बिका हुआ है, या उनको पता ही नहीं है जर्नलिज्म है क्या, या कि कोई भी गाइडलाइंस प्रोटोकॉल फॉलो करने को तैयार ही नहीं है, या कुछ है ही नहीं? इस एक उदाहरण से तो ये एक उदाहरण ठीक नहीं है आपके जो सवाल का बड़ा हिस्सा है उसको समझने के लिए जी, लेकिन अगर आप दूसरे कई उदाहरणों से देखें तो वाकई ये मीडिया बिका हुआ मीडिया है, और 90% से ज़्यादा मीडिया विश्वास करने लायक नहीं है। और आप उनमें देखेंगे ध्यान से तो उनमें ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद हो गई है, उसमें सरकारों से सवाल करना बंद हो गया है, इन्वेस्टिगेटिव खबरें बहुत कम आ रही हैं, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, सरकार का इतना ज़्यादा भय हो गया है कि लोगों ने अब वो करना छोड़ दिया है। तो आप देखेंगे किसी मंत्रियों के बयान छपते हैं, उनकी तारीफ़ें छपती हैं, उनका भाषण छपता है, लेकिन अखबार वाला अपनी तरफ से नहीं कहता ये गलत है। जैसे कल ट्विटर पर किसी ने किया कि कोई कह रहा है, एक रिपोर्टर कह रहा है कि शहर में बारिश है, एक आदमी कह रहा है कि शहर में बारिश है, और दूसरा आके कह रहा है कि नहीं शहर में सूखा है। तो एडिटर रिपोर्टर को कहता है कि तुम्हारा काम है खिड़की खोलो और अपनी आँख से देखो, और अगर सूखा है तो सूखा लिखो, तुम्हारा ये काम नहीं है कि दोनों गलत को बैठ के रिपोर्ट करना कि नहीं जी एक पक्ष कह रहा है कि सूखा है, एक पक्ष कह रहा है कि बारिश है। तो ये पक्ष वाले अपनी बात रखवाना चाहते हैं, बस यही बात है, लेकिन रिपोर्टर को कहना चाहिए कि ये दोनों गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या सिर्फ एक बात है। तो एक बात कहने की हिम्मत ख़त्म हो गई है, बहुत महंगा हो गया, लोगों की नौकरियां जाती हैं, एंकर निकाल दिए जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी पर असर पड़ जाता है, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। अभी आप देखिए अनुराग कश्यप ने, जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ट्विटर छोड़ दिया, ये कह के कि उनकी बच्चों को और पेरेंट्स को गालियाँ दी जा रही हैं, धमकी दी जा रही हैं।
ऐसे हम तो कभी नहीं थे। जिसको जो बोलना है बोल रहा है, सबको ये भरोसा था आप बोलते रहो, होना कुछ नहीं है, हम सब एक हैं अंत में। लेकिन अब बोलने पे ऐसा लगता है नहीं नहीं जी, आप इस देश के नहीं हैं, आप इस देश के नहीं हैं। तो ड्राइंग रूम की कन्वर्सेशन ये इसलिए बनाई गई है ताकि, ये बहुत मजबूत तरीका है ना, ताकि आपका ध्यान असलियत की तरफ नजर ना जाए। सर कहीं ना कहीं लगता है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब से दोबारा फिर से गवर्नमेंट ये बनी है, हाँ ठीक है, उनकी सरकार आई है, वहां पर हुआ क्या है कि काफी सारे, खास तौर पे मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि जो कश्मीरी हैं, हाँ उनको जगह जगह पे बिना बात के पीटा गया, मारा गया है, उनके वीडियोस बनाकर वायरल किए गए हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? बहुत शर्मनाक है और ये घटनाएं बहुत ही बुरी थी। हालांकि इस घटना के बाद अभी देश भर में ऐसा नहीं हुआ, थैंकफुली, मुझे लगा था कि ऐसा होने लगेगा लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कई तरह के माइनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, रीजनल माइनॉरिटीज़ नहीं है। रिलीजियस से मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, या रीजनल माइनॉरिटी मतलब कश्मीर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी जो डिसेंटर कास्ट के बेस पे भी तो टारगेट किया जा रहा है, वो एक अलग प्रक्रिया है जो हमारे समाज में हमेशा चलती रही है। लेकिन जो डिसेंटर हैं, जो असहमति रखते हैं, जो ये कह देते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, उनको भी, उनका भी वो भी अपने आप में होते मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं लेकिन वो माइनॉरिटी बन जाते हैं, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आता है। अब मैं ही कल एक लड़के ने मुझे बताया कि उसने जब मुझे पुरस्कार मिलने पे बधाई या कुछ अच्छा उसको लगा होगा तो उसने अपने फेसबुक पे लिखा, तो उसके परिवार और दोस्त के लोग आके कहने लगे ये तो गद्दार है, देशद्रोही है, तुम इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो। तो सोसाइटी इस तरह से, इस तरह की टेम्परामेंट सोसाइटी का हो जाएगा ये हमने नहीं सुना समझा था। लेकिन अब समाज का ही एक हिस्सा ऐसा तैयार हो गया है कि अब स्टेट को रिप्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी के लोग ही कर रहे हैं। अब सोचिए कि वो लड़का अचानक सिर्फ मुझे बधाई देने के लिए अपने ही घर में आइसोलेट हो गया, उसका कितना टॉर्चर है, उसको और चीज़ें हैंडल नहीं कर, वो कह रहा मेरे सारे दोस्त नाराज़ हो गए, मेरे घर वाले नाराज़ हो गए हैं, और यहाँ तक कि जब प्रोग्राम चलता है तो लोग, बड़ा भाई आके एक ने लिखा कि उस टीवी बंद कर देता है, मेरा शो देखता है। तो ये क्या है, क्या हो रहा है इस देश में, इसलिए सच्चाई बर्दाश्त करने की नहीं, ताकत इसलिए कम हो, कोई रोक रहा है, हाँ। कोई एक सोसाइटी के भीतर हर किसी को पॉलिटिकल सपोर्टर में बदल दिया गया, आप ये समझिए, वोटर को पॉलिटिकल वर्कर में बदल दिया गया, जो दिन रात मॉनिटर कर रहा है कि घरों में आप क्या देख रहे हैं वो आप मॉनिटर किए जा रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ पता नहीं है आप लोगों को, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान आइए और इन सब चीज़ों को ज़रा नए नज़रिए से देखिए कि जो हो रहा है, क्योंकि आपकी तालियों से ये सारी चीज़ें लेजिटिमाइज हो रही हैं, और बाहर से आने वाले पैसे से भी लेजिटिमाइज हो रही है कि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ, उनको लगता है कि कोई धर्म का जागरण कर रहे हैं, वाहवाही हो रही है। धर्म का जागरण करने कीजिए, कोई रोका तो नहीं है धर्म का जागरण, वो तो हमारे यहाँ हमारे देश में कब से वो समानांतर तरीके से सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, बेरोक टोक के चलते रहती हैं, लेकिन उसके नाम पे आप दूसरी तरीके से आवाज़ उठाने वाले लोगों को तो आप देशद्रोही नहीं कह सकते। मतलब मैं ऐसा क्या कहता हूँ कि आप घर में मुझे कोई बच्चा देख रहा है तो उसका फादर आके टीवी बंद कर देता है। लेकिन सर एंटी नेशनल है क्या, क्योंकि क्योंकि ये जो समझ नहीं, उनको सिर्फ इतना है कि वो झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं, ठीक है, तो वो झूठ पंचर ना हो जाए, इसलिए लोगों को राष्ट्रवाद 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 करते रहो, तो फिर सवाल पूछने की बारी नहीं आएगी ना। इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कहीं कोई चर्चा है? बहुत कम चर्चा है। यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस लेट है, 3 साल का बीए बिहार में लोग 5-5 साल में कर रहे हैं, क्या ये ना पूछा जाए? क्या इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या कनाडा में रहने वाले कोई हमारे भाई अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालेंगे, कॉलेज में, कभी नहीं, जहाँ 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है? तो उनको देखना चाहिए ना कि उनके देश में सिस्टम ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है, बिल्कुल, या वो सिर्फ टीवी का प्रोपेगेंडा देख के ताली बजा रहे हैं। अगर नहीं है तो उनको ये देखना चाहिए कि वो कनाडा में जो रह रहे हैं तो उस वहाँ उनको कौन सा सिस्टम मिला है, क्या ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में मिल गया, क्या कोई ऐसा है जो ऐसा सिस्टम यहाँ बना रहा है, नहीं बना रहा है ना। क्या हमारे देश में आज, अब तो सोचते हैं जो हालत हो गई है, अगर मान लीजिए जिस तरह से न्यूयॉर्क में सारे मुल्कों के लोग आके रहते हैं, जी बिल्कुल, सारे कम्युनिटी के लोग आके करते हैं, उस शहर कितना बड़ा हो गया है,
आपके कनाडा में, आपके इंग्लैंड में, सारे मुल्कों के लोग आके, अलग अलग एथनीसिटी के लोग आके रहते हैं। हमारा कौन सा शहर है दिल्ली का, बताइए? हम इतना बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, हमारा कौन सा शहर है हिंदुस्तान में जहाँ पर कोई आके कोई इंग्लैंड वाला ज़मीन खरीद के रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला बस गया है किसी मोहल्ले में, जैसे यहाँ के लोग जाके बस गए। तो हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना ना, तब तो हम जाके असली वसुधैव कुटुंबकम होंगे, या सिर्फ हम दूसरे के यहाँ जाके बसने के लिए वसुधैव कुटुंबकम है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि हम सब कुटुंब है, आओ तुम भी हमारे यहाँ जाकर बिहार में ज़मीन लेके रहो, खरीदो, रहो। ऐसा कभी कितना कम हुआ है। बेंगलोर शहर होगा, थोड़ा मुंबई में कुछ लोग होंगे, लेकिन जिस तरह से कोई भी यहाँ से अमेरिका चला जाता है और अटलांटा में ज़मीन लेके रह रहा है, फार्मिंग कर रहा है, वो कहाँ यहाँ हो रहा है? तो वो सोचिए, वो मुल्क अपने अपने इकबाल पर कितना भरोसा रखते हैं। उनको तो रोज़ रोज़ नहीं डर लगता कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, कोई हमारे बीच से गद्दार निकल जाएगा, तो फिर हमें, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये बात है कि जो असली सवाल है, काम के जो असली सवाल हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। रिपोर्टिंग बंद हो गई, इन्फॉर्मेशन बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी अखबारों में चल रही है। उनका पॉलिटिकल एजेंडा, अपोजिशन को किल किया जा रहा है, रोज़ अपोजिशन को रिडिक्यूल किया जाता है। फिर कहते हैं अपोजिशन तो कहीं है ही नहीं। आप इन कई चैनलों में देखेंगे तो उनको पिछले 6 साल में सरकार के किसी पॉलिसी में कोई गलती ही नज़र नहीं आई। तो क्या ये डिक्टेटरशिप है? मतलब मीडिया तो जिस तरह का सोसाइटी बना रहा है, ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? कि घर में कोई टीवी देख रहा है तो मेरा टीवी मत देखो, क्या है ये, बताइए जरा सा। ये तो वही लक्षण है ना कि आप डिसाइड कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको अलग तरीके से इसको समझा जा सकता है, लेकिन ये कंट्रोल हो रहा है। सोसाइटी को तैयार कर दिया कि तुम निगरानी रखो, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर जाके, और जो भी अलग बोला जा रहा है उसको पकड़ के गालियों से उसका हमला हो जाता है, उसको मारने तक की धमकी दी जाती है। इसका जिम्मेदार बिकाऊ मीडिया, सरकार, मीडिया, देखिए मीडिया ही जिम्मेदार था, उसको खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और देखिए, बाहर के देशों में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ हैं जो ऐसे फैसले लेती हैं कि हम वैसे प्रोग्राम को या वैसे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर नहीं करेंगे जो रेशियल हैं, जो पेरोकियल बायसेस को बढ़ाते हैं या जो कम्युनल बातें फैलाते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट का ऐड नहीं देंगे। हमारा कॉरपोरेट देखिए, उसका सारा ऐड ऐसे ही प्रोग्राम में जा रहा है और उसको ज़रा भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। तो जो कॉरपोरेट मालिक हैं मीडिया के, वो लोग भी झुक गए हैं, वो लोग भी झुक गए हैं। कोई, अब आप जो एंकर सरकार को क्वेश्चन कर देता है उसकी नौकरी चली जाती है। तो हम किस तरह के डेमोक्रेसी हैं? डरपोक डेमोक्रेसी हैं। हमको बहादुर इंडिया बनना था जहां आप कुछ बोलते हम कुछ बोलते, हम एक ही गाड़ी में जा सकते थे, एक हेल्दी डिबेट। एक हेल्दी डिबेट है। ये क्या हुआ कि आपने कुछ बोला, हमने आपको गाड़ी से धक्का देके उतारा, वो आर्गुमेंट बन गया, लड़ाई इंडिया हो गया ना जी, बिल्कुल। कि सब कोई मेरे हिसाब से बोलेगा, लेकिन सरकार तो कहने की बोल रही है डिजिटल इंडिया। हाँ, डिजिटल इंडिया कहाँ है? आप देखिए, कश्मीर में तो आपने पूरा इंटरनेट ही ऑफ कर दिया, कहाँ डिजिटल इंडिया है? यहाँ जो दिल्ली का जो फोन हमारा चलता है वो आधा समय तो बनता नहीं, लगता नहीं है, आधी बात में कट जाता है। तो बहुत सारा अभी खेल हो रहा है जो लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लोगों को जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो एक बहुत छोटा या बहुत बड़ा वर्ग है जिनका ये मानना है कि रवीश कुमार एंटी मोदी है, ये कहां तक सच है? नहीं, मैं तो एंटी मोदी नहीं हूं, मोदी साहब एंटी रवीश हैं। हाँ, सोचिए, मैं एक सामान्य सा पत्रकार हूँ, बीजेपी मेरा बहिष्कार करती है। अब आप सोचिए, तो सवाल आपको बीजेपी से पूछना चाहिए था ना कि जब आपको हम इतना वोट देते हैं सरकार बनाने के लिए, क्या हम आपको इसलिए वोट देते हैं कि आपसे कोई सवाल ना पूछे और जो सवाल पूछे आप उसका बॉयकॉट करेंगे? ये तो पीएम से पूछना चाहिए ना, और उनकी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए था कि ऐसा क्या है कि आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। मैं ऐसा कौन सा सवाल जो पब्लिक में जानकारी है वही पूछूंगा आपसे? वो भी अब जानकारियां खत्म हो गई, अब लोगों के पास जानकारी नहीं है, सिर्फ परसेप्शन पहुंच रहा है और परसेप्शनल डिबेट हो रहा है, तो लोग धोखा दे सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इतना ही अच्छा है तो आइए ना, 5 साल हो गया ये सरकार एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला सकी। सर, एजुकेशन पॉलिसी पे एक मेरा सवाल है, जो एक आर्टिकल आया था 2009 में जो इन्होंने पास किया था। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी आज बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर टीचर्स हैं जिनके पास परमानेंट जॉब्स भी नहीं है, जबकि ये सरकार ने बोला था कि जॉब जो मिलेंगी परमानेंट बेसिस पे मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्टेड जॉब नहीं होंगी और उनकी तनख्वाहें बिल्कुल सामान्य होंगी, सेम होंगी। अभी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि मेरे सर्कल में खुद मुझे जानते हैं, जिनको कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने वेतन ही नहीं मिलता, नहीं मिलता, अगर मिलता है तो आधा मिलता है। फिर एक स्कूल में एक टीचर है जिसकी तनख्वाह 80,000 है,
दूसरा जिसकी 50 है और एक ऐसा है जिसकी 15,000 है, उससे भी कम है और उसको पता ही नहीं उसको वेतन मिलना है कि नहीं। एजुकेशन पे तो आप अगर आपने बाहर के मुल्कों में 2 साल भी गुजारा है वहाँ के स्कूलों में, वापस आकर यहाँ के स्कूलों में आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। बिल्कुल दुरुस्त है ना। इसमें तो मैं कहता हूँ तो चैलेंज है तो आके करा लें जरा से एडमिशन हो यहाँ। बहुत ही बुरा हाल है। 5 साल तक सेंटर की तरफ से यूनिवर्सिटी में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब वो कह रहे हैं हम टीचर की बहाली करेंगे, कुछ कर रहे हैं, अब पता नहीं किस क्वालिटी के टीचर की बहाली हो रही है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की भी हालत बहुत ख़राब है। स्कूलों में वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो किसी और की सरकार हो, जनता दल यूनाइटेड की सरकार हो, सब ने स्कूलों को बहुत एडहॉक तरीके से लिया है। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय एक बहुत अच्छे सरकारी स्कूल का लाभ अमेरिका में उठा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उठा रहे हैं और कनाडा में उठा रहे हैं, वो इन नेताओं से पूछते क्यों नहीं कि क्या आपके राज्य में ऐसे स्कूल बन गए हैं? नहीं बने। तो ऐसी रियलिटी की चीज़ों को मैं ले आता हूँ तो उनको लगता है खामखा ये जय जयकार क्यों नहीं कर रहा है। आप 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ विज्ञापन पर खर्च कर रहे हो तो मैं जय जयकार क्यों करूँ?